Good morning, class 6A. How are you? Today we will discuss the topic Make your own magnet. खुद का मैग्नेट कैसे बना सकते हैं हम लोग? There are several methods of making magnets. मैग्नेट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं. Let us learn the simplest one. हम लोग एक बहुत ही सिंपल तरीका जो है उस तरीके से एक मैग्नेट बना रहे हैं जो सबसे सिंपल है. क्या है? टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. एक रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगुलर शेप मतलब इस तरह का एक शेप का क्या ले लें? आयरन. एक आयरन ले लें जिसका शेप रेक्टेंगुलर हो. ये आयरन. प्लेस इट ऑन द टेबल. इसको एक टेबल पर क्या कर दें? रख दें. ये कोई टेबल है, इस पर हमने ये जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन है इसको इस टेबल में हमने क्या कर दिया? रख दिया. ओके, ये क्या है? रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन. और ये क्या है? टेबल जिस पर हमने इसको प्लेस किया है, रखा हुआ है. नाउ टेक ए बार मैग्नेट. अब हम लोग एक बार मैग्नेट लेते हैं. ओके, एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल्स नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन. ठीक है, एक हमने बार मैग्नेट लिया, वो भी क्या करते हैं, इस टेबल को थोड़ा सा और बड़ा कर लो. एक कोई बार मैग्नेट लेते हैं, इसको भी टेबल में इस तरह रखते हैं. इस बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं ना, बताया था ना, एक नॉर्थ और एक साउथ. कौन सा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. और ये क्या है? बार मैग्नेट. और इस तरह से इसको रखा है, इस बार मैग्नेट को, कि इसका एक पोल, मान लो ये साउथ वाला पोल इस आयरन के, आयरन वाला जो बार है इसके एक एज में, एक किनारे के पास में है, इस तरह से रखा हुआ है. विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड. अब इसको बिना उठाए, इस बार मैग्नेट को ऊपर नहीं उठाना है, बिल्कुल क्या करना है, इस तरह से इसको मूव कराना है कि यहां से इसके साइड से होते हुए, इसके बगल से होते हुए ऐसे आगे की तरफ ऐसे खिसकाएंगे, मूव कराएंगे कि इसके ये वाला जो साउथ पोल है ये इसके दूसरे किनारे पर आ जाए. ठीक है, ऐसे ऐसे बिना उठाए आगे खिसका लेना इसके बगल से, आयरन पीस के बगल से. ये वाला नॉर्थ वाला पहुंच जाएगा इस किनारे पर और साउथ वाला पोल जो है पहुंच जाएगा इस किनारे पर, इसके बराबर में ले आना है इसको. ठीक है, बिना उठाए.
Now lift the magnet and bring the pole, the same pole you started with, to the same point of the iron bar from which you began. Okay? मतलब ये जब ये साउथ पोल यहाँ पे आ जाए, नॉर्थ पोल यहाँ पे आ जाए इसके बराबर में, फिर इसको उठा लेना है बार मैग्नेट को, फिर यहाँ पे वापस रखना है, फिर उसी तरह करना है, फिर आगे किसका आएंगे, तो ये साउथ वाला फिर यहाँ जाएगा, नॉर्थ वाला फिर यहाँ जाएगा। फिगर देख लेना 13.11। Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. इसको क्या करना है? उठा के फिर रिपीट करना है और रिपीट करते रहना है कितने टाइम्स, कितनी बार? 30 to 40, 30 से 40 बार यही चीज करते रहना है। इस तरह किसका आना है, फिर उठा के फिर किसका आना है इसके बराबर, फिर उठा के फिर 30 से 40 बार। Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. अब 30 से 40 बार करने के बाद iron fillings लेंगे या कोई पिन ले लेंगे iron की, उनको इसके पास लाएंगे, इस rectangular piece of iron के पास में लाएंगे, तो देखेंगे कि वो pins या iron fillings इसकी तरफ क्या हो रही हैं, अट्रैक्ट हो रही है ये, और ये चेक करने के लिए क्या ये मैग्नेट बन चुका है। 30 से 40 बार रिपीट करने के बाद, ये करने के बाद देखेंगे इसकी तरफ आयरन फिलिंग्स या पिंस अट्रैक्ट होने लगेगी, ये मैग्नेट बन चुका होगा ये आयरन। इफ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम, अगर ऐसा नहीं है, अगर अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी मैग्नेट नहीं बना है, तो क्या करेंगे, फिर से करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे। ओके, यही प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक ये मैग्नेट ना बन जाए, चेक भी करते रहेंगे। यू कैन Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. लेकिन हाँ, ये जरूर देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इसी तरह करना है, इसकी ना पोजीशन किसी की नहीं चेंज करना है, इसे जहाँ से एस से शुरू किया था एस यहाँ पे आना चाहिए और एन यहाँ, ठीक है, जिस पोल से शुरू करें, अगर एन से कर रहे हैं तो फिर एन यहाँ पे होना चाहिए, एस इस तरह से, इसी तरह मूव कराएंगे, बदलेंगे कुछ नहीं। You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. अब इस rectangular piece of iron की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, needle ले सकते हैं, हाँ, iron nail ले सकते हैं, या कोई blade ले लें, उस पर ये magnet ऐसे ऐसे करें तो वो भी magnet बन जाएगा, जो भी चीज हम लेंगे, चाहे ब्लेड हो, नीडिल हो, वो भी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, फिगर 13.11 ये आप लोग बनाएंगे और चेक कराएंगे कॉपी में। और क्या करेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे भी, मेक योर ओन मैग्नेट। फिर यू नाउ नो हाउ टू मेक ए मैग्नेट, अब आप लोगों को पता चल चुका है कि मैग्नेट कैसे बनता है, कैसे बनाया जा सकता है। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास, क्या अब आप लोग अपना कंपास भी बना सकते हैं क्या? अब देखिए, इसके बाद फिगर है
13.12, ये भी बनाएंगे। और ये वाला है मेकिंग योर ओन मैग्नेट, ये वाला फिगर, और ये मेकिंग योर ओन कंपास, दोनों फिगर बनाएंगे। अब देखिए कंपास कैसे बनाते हैं हम लोग। मैग्नेटाइज एन आयरन नीडिल यूजिंग अ बार मैग्नेट, एक हम लोग कोई नीडिल ले लेते हैं और उसको मैग्नेटाइज करते हैं, मतलब इसी प्रोसेस से उसके मैग्नेट से उसको मैग्नेट बना लेते हैं नीडिल को। तो उस नीडिल को मैग्नेट बना करके जो भी जिस तरह से बनाया था रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन को, इसी तरह एक नीडिल को मैग्नेटाइज करके क्या करेंगे, किसकी मदद से मैग्नेटाइज करेंगे, उसी बार मैग्नेट से, बार मैग्नेट से एक नीडिल को मैग्नेटाइज कर लेंगे। फिर जब मैग्नेटाइज हो जाए, नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फोम, एक फोम ले लेंगे, एक फोम ले लेंगे, ओके। अब इस फोम को लेकर के ये क्या है, फोम, इस फोम को लेकर के इसमें जो हमने नीडिल मैग्नेटाइज किया था उस नीडिल को इसमें क्या कर देंगे, इसमें फिक्स कर देंगे, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्या है, ये है हमारी मैग्नेटाइज नीडिल। इसको जब हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, फिर आगे क्या करेंगे, लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और टब, एक कोई बाउल ले लेंगे, बाउल या टब ले लेंगे जिसमें क्या हो, पानी भरा हो। ये क्या है, ये कोई बाउल है। ये क्या है, बाउल, जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर। ये बाउल ले लिया, ये फोम है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इस फोम को इस कप में या बाउल, बाउल में जिसमें पानी भरा है इसमें डाल देंगे। तो इस तरह डालेंगे जिसमें फ्लोट, ये फोम क्या करेगा, फ्लोट करेगा, पूरा नहीं अंदर डूबेगा, फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। और इस तरह से डालेंगे ये निडिल पानी में ना डूबे, ऊपर रहे, ठीक है। इतना पार्ट जिसमें निडिल इंसर्ट है तो उतना पार्ट क्या रहे, फोम का ऊपर रहे, और फोम क्या हो, फ्लोट करे, ओके। मेक श्योर दैट द निडिल डज नॉट टच द वाटर, निडिल पानी को टच ना करे, मतलब ऊपर रहे। अब ये फिगर जो हमने बताया 13.12, ये भी बनाना है, ओके। योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क, अब इस तरह से हमारा कंपास क्या हो जाएगा, ये योर ओन कंपास, ओके। इस तरह से हमने कंपास बना लिया, अब ये बिल्कुल वर्क करने के लिए रेडी है। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन व्हिच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग या फोम इज फ्लोटिंग, हमको ये ध्यान रखना है जब ये फ्लोट कर रहा हो फोम, तो ये नीडल का जो पॉइंट है ये
ओके ये किस डायरेक्शन में पॉइंटेड है पहले नोट कर लेंगे। रोटेट द टॉर्क विद द नीडल फिक्स्ड इन इट। अब हम इसको क्या करेंगे, फोम को रोटेट कराएंगे, घुमा देंगे। जब इसमें नीडल फिक्स है इन डिफरेंट डायरेक्शन में घुमाएंगे इसको, ऐसे घुमा दिया तो अलग अलग डायरेक्शन में घुमा दिया। पहले जब फ्लोट कर रहा था तब किसी डायरेक्शन में ये पॉइंटेड था नीडल, फिर इसको घुमा दिया। नोट द डायरेक्शन इन व्हिच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्ड बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग। ठीक है, फिर दोबारा क्या करेंगे, जब रोटेट करा देंगे इसके बाद जब फिर रोटेशन जब इसका बंद हो जाएगा तब फिर नोट करेंगे क्या नीडल उसी डायरेक्शन में फिर पॉइंट कर रही है क्या, या दूसरी इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट की चेंज हो गई है, ये नोट करेंगे। Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? जब ये इसका रोटेशन बंद हो जाएगा, ये रोटेट करना बंद कर देगी फोम, तो देखेंगे कि क्या हर बार इस नीडल का पॉइंट एक ही डायरेक्शन में रहेगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैग्नेटाइज्ड हो चुकी है तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रहेगा हमेशा, जब ये रोटेशन नहीं करेगा क्योंकि मैग्नेटाइज किया था, तो हमेशा ये जब इसका रोटेशन बंद होगा फोम का, जब घूमना बंद कर देगी तो ये नीडल का जो पॉइंट है उसी डायरेक्शन में हर बार आ जाएगा जिस डायरेक्शन में बिना रोटेशन के ये था। आज के लिए इतना सफिशियंट है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, एंड द टॉपिक इज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। सो हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।